चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। ठीक है सर, सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का दिन बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज के दिन में एक हमारे कुछ 300 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज जो महाराष्ट्र में हुआ करते थे, उनकी आज जयंती है। तो सारे महाराष्ट्र में आज उत्सव का माहौल है, और उनका पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस देखकर फिर प्राइम मिनिस्टर भी आ जाते हैं। ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपना महत्व बढ़ा लेता है, फिर उसका जो योगदान है वो उठाने के लिए, उसका बेनिफिट उठाने के लिए हर कोई तैयार होता है। ऐसा ही हमारे बहुजनों में से बहुत सारे लोग आते हैं, तो इसी इस दिन के उपलक्ष्य में मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को वंदन करना चाहता हूं। और उसके साथ साथ मैं एक बात मैं कहना चाहता हूं कि 1942 में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अकोला महाराष्ट्र में एक सभा हुई थी, तो मेरी माँ उस सभा में 10 साल की थी। वो उसका 1932 में जन्म हुआ था, 1942 की सभा में वो गई थी। उसको बाबा साहब की दो ही बातें पता थी, वो सारी जिंदगी भर हमको बताती थी। और उस मेरी माँ का आज जन्मदिन है, इसलिए मैं उसको भी, मेरी माँ को भी नमन कहना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से ही जो विचारधारा है बाबा साहब की हम हमारे बीच में आई। हालांकि वो अनपढ़ थी, 60 वर्ष की आयु में उसने प्रौढ़ शिक्षा की क्लास में फिर बाबा साहब का जो सपना सपना था पढ़ने का, वो उसने पूरा किया, और 60 साल की उम्र में वो डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई थी। लेकिन वो हमको बार बार बताती थी कि बेटा, मैं 10 साल की थी, मैं सिर्फ बाबा साहब को देखने के लिए मेरे पिताजी के साथ गई थी, और मेरी माँ के पिताजी ने उनके साथ वो खाना और रोटियां और वो आटा वगैरह लेकर वो 2 दिन पहले गए थे, क्योंकि पैदल जाना होता था तब। तो वो कहती थी कि बेटा, बाबा साहब की दो ही बातें मुझे याद आती है। एक बात है कि बाबा साहब ने उस सभा में कहा कि लड़कों के साथ लड़कियों को भी पढ़ाना चाहिए, लेकिन उस वक्त लड़कियों के लिए शिक्षा का तो कोई प्रावधान नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने नहीं पढ़ाया। लेकिन उसके मन में वो बाबा साहब की बात जिंदगी भर थी, और 60 वर्ष की आयु में उसने प्रौढ़ शिक्षा की क्लास में बाबा साहब का वो सपना पूरा किया, अपने आप को पढ़ाया और डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आई। दूसरी बात बाबा साहब ने कही थी, वो बताती थी बार बार कि बेटा, बाबा साहब ने उस वक्त ये भी कहा था कि मरे हुए जानवर को खींचना बंद करो और उनकी खाल मत उतारो, और उनका जो मटन होता है, जो मांस होता है, वो मत खाया करो। तो उस दिन से, दूसरे दिन से मेरे माँ के पिताजी ने जो जानवर होते थे मरे हुए, उसको खींचना, उसकी खाल निकालना और बीफ खाना बंद कर दिया। फिर वो बताती थी कि परिस्थिति ऐसी हुई कि फिर बारिश हुई, और बारिश में हमको दूसरों के घर पे मजदूरी करने के लिए जाना पड़ता था, तो जब तक हम कमाते नहीं थे, फिर खाते कुछ भी नहीं थे। और उस वक्त ऐसा था कि वो जो हमको कुछ गोश्त होता था वो भी हम उसको सुखा कर रखते थे, और जब मजदूरी नहीं मिलती थी तो उसके ऊपर हम जीते थे। तो वो कहती है कि बाबा साहब के एक शब्द के लिए मेरे पिताजी ने वो धंधा छोड़ दिया, जानवरों को, मरे जानवरों को ढोना और उसका, उससे पैसे कमाना, मजदूरी करने लगे, और भूखे रहते थे हम, फिर भी हम बाबा साहब के शब्द के ऊपर विश्वास करते रहे। और उन्होंने हम सभी 6 भाइयों को पढ़ाया, इतना पढ़ाया कि हम 2-3 भाई आज क्लास 1 सुपर क्लास 1 ऑफिसर्स है, टीचर्स है, और उसकी एक विचार की बदौलत आज हमारी जिंदगियों में कितना कुछ परिवर्तन हो गया है। ये बात मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरी माँ ने कितना कुछ किया, सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ कि विचारों की जो लेगेसी होती है, विचारों का जो प्रचार और प्रसार होता है, वो कितना महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। बाबा साहब ने 1927 की महार के पानी के आंदोलन में जो विचार कहा था कि आइडिया नीड्स प्रोपोगेशन एज मच एज द प्लांट्स नीड वाटरिंग, अदरवाइज बोथ विल वीदर एंड डाई। विचार है पौधे की तरह होते हैं, अगर उसको हम खत और पानी नहीं देते, खाद नहीं देते, तो जैसा पौधा मर जाता है वैसे विचार भी हमारे मर जाते हैं। तो इसीलिए विचारों को एक दूसरे जनरेशन को, दूसरे तीसरे जनरेशन तक देते रहना चाहिए। यही बात मेरी माँ
हमको बार बार बताती थी। उसकी बदौलत ऐसा हुआ कि बाबा साहब की जो लिविंग जनरेशन थी, उस जनरेशन की दूसरी जनरेशन ने वो विचारधारा हमारे बीच में लाई, और जिसकी वजह से आज लोग हम इतना कुछ कर पाए हैं। तो ये इसका संबंध विद पीपल से, समन संघ से क्या है? मैं ये कहना चाहता हूं कि तथागत बुद्ध ने भी यही बात कही थी। बुद्ध का जो जब संघ बना, तो पहले तथागत मिगदाय में, इसी पतन मिगदाय में गए और पंचवर्गीय भिक्खु को भगवंत ने धम्मचक्क पवत्तन सूत्र दिया। धम्मचक्क पवत्तन सूत्र सुनते सुनते कौंडिन्य नाम का जो एक भिक्खु था, जो मेडिटेटर था, उसको वहीं पर मेडिटेशन प्राप्त हो गई, उसको वहीं पर संबोधि प्राप्त हुई, वो अर्हत बने। उसके बाद जो उनके साथ जो और चार भिक्खु थे पंचवर्गीय भिक्खु में, उसमें से एक अश्वत जी नाम का भिक्खु था, अश्वजीत जिसको कहते हैं, वो अश्वत जी भी 3-4 दिन इतनी गहराई से उन्होंने मेडिटेशन की, विपस्सना किया, आनापाना किया, मित्ता भावना किया, कसीना मेडिटेशन, जितने भी बुद्ध ने जो विधिया बताई थी मन को कंट्रोल करने की और चित्त के मैल को नष्ट करने की, वो शिक्षा उस अश्वत जी भंते ने भी ली। और वो जब सारनाथ में भिक्षा के लिए गया था, पिंडपात के लिए गया था, तो उसके चेहरे पे इतनी झलक थी, उसका चेहरा इतना प्रफुल्लित था कि उस नगर में सारिपुत्त और महामोग्गलाय नाम के दो साथी थे, वो बमण थे, लेकिन बाद में वो इस खोज में पड़े थे कि किसी को भी दोनों में से अगर कोई ऐसा इंसान मिले जो कि जागरूक है, जो कोई अर्हत है, जो कोई बुद्ध है, ऐसा अगर कोई साथी या गुरु मिले तो हम एक दूसरे को खबर कर देंगे और उसके हम शिष्य बन जाएंगे। जब अश्वजीत जब सारनाथ की गलियों में पिंडपात कर रहे थे, भिक्षा मांग रहे थे, तो सारिपुत्र ने देखा कि ये कैसा भिक्खु, ये कैसा समन है, इसके चेहरे पर देखकर मैं एकदम खड़ा हो गया हूं, मैं स्तंभित हो गया हूं, मैं देख रहा हूं कि इसके चेहरे पर इतना नूर कैसा है, इतनी लहर झलक कैसी है। तो वो पीछे पीछे जाता है सारिपुत्र अश्व जी के, और उसकी भिक्षाटन होने के बाद उसको पूछता है कि समन, मुझे ये बताओ कि आपके चेहरे पर इतनी खुशी और इतनी हलचल, इतना सारा अच्छा सापन कैसा है, क्या है? तो वो कहता है कि हमारे गुरु इसी पतन में मृगदाय में रहते हैं, उन्होंने मुझे अभी अभी 3-4 दिन पहले एक धम्म सिखाया और उस धम्म को मैंने जाना है, इसीलिए मैं दुख से मुक्त हुआ हूँ, और आपको और ज्यादा जानकारी लेनी है तो कृपया आप मेरे गुरु के साथ चलिए, वो आपको आगे की बात बताएंगे। तो सारिपुत्र कहता है कि रुको रुको असद जी, मेरा एक साथी है महामोग्गलायन, उसको मैंने वचन दिया है कि ऐसा कोई इंसान है जो कि जागरूक हुआ है, बुद्ध हुआ है, अगर इसका किसी को खोज लग गई, किसी को मिला, तो हमने सोचा है कि हम एक दूसरे के साथ जाएंगे और वो ज्ञान बांट लेंगे और उसके शिष्य बन जाएंगे। तो अश्वत जी के साथ सारिपुत्र और महामोग्गलायन आते हैं, और वही शिक्षा जो पंचवर्गीय भिक्खु को तथागत ने दी थी, धम्मचक्क पवत्तन सूत्र दिया था। क्या धम्मचक्क पवत्तन सूत्र था और उसका क्या संबंध है विद पीपल समन संघ से? तो बुद्ध कहते हैं कि जब मैं बुद्ध बनने से पहले एक आम इंसान था, मैं भी आपके जैसा दुखी था, लेकिन मैंने खुद की खोज की, मैंने अपने मन को इतने गहराई से खोजना शुरू कर दिया और देखते देखते मुझे सारे दुख से मुक्ति मिल गई और मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो मैं धम्मचक्क पवत्तन सूत्र में आपको बताता हूँ। तो बुद्ध होने के बाद क्या होता है? तो बुद्ध कहते हैं कि चक्कु उदपादि, चक्कु यानी दृष्टि विकसित हो जाती है, आंखें खुल जाती है। दूसरा कहते हैं कि ज्ञान उदपादि, ज्ञान उदपादि। तीसरा कहते हैं कि पहिया उदपादी, प्रज्ञा विकसित हो जाती है, सत्सत विवेक बुद्धि विकसित हो जाती है, कोई कौन बुरा है, कौन अच्छा है, कौन मेरा फायदा उठा रहा है, कौन मेरा अनडू एडवांटेज उठा रहा है, ये बात समझ में आ जाती है। फिर कहते हैं कि विद्या उदपादी, और कहते हैं कि आलोको उदपादी, प्रकाश उत्पादित होता है, और ये समझ जब अनुभव के स्तर पर हमारे बीच में आ जाती है तो आप भी इस बात को जानते हो, आप भी अर्हत बन सकते हो, आप बुद्ध भी बन सकते हो। और फिर कहते हैं कि इससे क्या होता है? तो एक निसर्ग का तत्व होता है कि सभ्य संस्कार अनिच्छति, सारे संस्कार अनित्य है, जो भी निर्माण होता है वो नष्ट हो जाता है, एक का निर्माण होने में दूसरे का निर्माण होना होता है, एक के नष्ट होने में दूसरे का निर्माण होना होता है,
एंकिंची समुदाय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम, जो भी निर्माण नष्ट होने का कारण है उसी में दूसरे चीज का निर्माण होने का कारण होता है, और ये निसर्ग का नियम है। और फिर बुद्ध ने बताया, यो पटिच्च समुपाद पश्यति यो धम्मा पश्यति, यो धम्मा पश्यति पटिच्च समुपाद पश्यति, जो प्रतीत समुत्पाद को जानता है यानी कि थ्योरी ऑफ कॉज एंड इफेक्ट को जानता है वो धम्म को जानता है, जो धम्म को जानता है वो प्रतीत समुत्पाद को जानता है। बुद्ध ने फिर अनिच्छा अनत्ता दुखा दस पारामिताएं आर्य अष्टांगिक मार्ग, ये शिक्षा उन पांच भिक्षुओं को, पंचवर्गीय भिक्षु को, यश को और फिर सारिपुत्र और मोग्गलानों को दी। उसके बाद बुद्ध का संघ तैयार हो गया, और संघ तैयार होने के बाद बुद्ध ने कहा कि यही भिक्षवे अब आपको सारी दिशाओं में जाना है। तथागत बुद्ध ने जो धम्म दिया है जो कि आदि कल्याणंग मध्य कल्याणंग परियोजनंग कल्याणंग, शुरू में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। ये जो शिक्षा मैंने खुद संशोधित की है, मैंने पाई है, उसका अनुभव मैं खुद ले रहा हूँ, और जिसके वजह से मैं सारे दुख से मुक्ति हूँ, मेरी मुक्ति हो गई और ये पांच भिक्षु भी अर्हत हो गए, ऐसा आप भी हो सकते हो। और देखते देखते तथागत बुद्ध का संघ सारे भारतवर्ष में फैल गया, आप जानते हैं। उसके बाद सम्राट अशोक का इतिहास है, सम्राट अशोक ने वो सारी एशिया तक फैलाया, इसी बुद्ध की संघ की नींव पर फिर इस देश का निर्माण हुआ, जैसे सुधीर राज सिंह सर कहते हैं कि फिर महाभारत का निर्माण हुआ। और ये हुआ क्यों, तो तथागत कहते हैं कि संघे शक्ति, संघ में शक्ति होती है और शक्ति की वजह से ये कुछ सारा कुछ संभव होता है। यही बुद्ध की बात बाबा साहब अंबेडकर 40 साल तक पढ़ते थे, 40 साल तक बाबा साहब ने इसको खूब गहराई से पढ़ा, और देखते देखते बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की शिक्षा जो कि आधुनिक शिक्षा के साथ जोड़ दी, जो कि वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में थे, वहां पर जॉन डुई, डॉक्टर गोल्डन वाइजर, डॉक्टर कैनन अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर और जेम्स शॉर्टवेल, ऐसे कई प्रोफेसर थे, उनके साथ ह्यूमैनिटी की बात है, मॉडर्न साइंस की बात है, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात है और बुद्ध धम्म की बात है, इन सारी बातों का बाबा साहब की विचारधारा पर परिणाम होता था। फिर बाबा साहब ने एक कोटेशन बताया कि कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी अल्टीमेट एम ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, हर इंसान का इस दुनिया के अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, तो उसने अपने मन का अंतिम विकास करते रहना चाहिए। अगर वो इंसान अपने मन का मैल धीरे धीरे हटाकर अपने मैल मन को ज्यादा से ज्यादा शुद्ध करता जाता है, तो दुख से तो नष्ट करता है लेकिन वो औरों के दुख नष्ट करने के लिए भी मददगार हो सकता है। ये बात बाबा साहब ने की, और बाबा साहब ने फिर एक 1946 की बात मैं आपको बाबा साहब की बताना चाहता हूँ। बाबा साहब तो खुद का कभी बर्थडे मनाते नहीं थे, लेकिन बाबा साहब के जितने भी कार्यकर्ता थे बाबा साहब के बहुत पीछे लगते थे और कहते थे कि बाबा साहब आप इतने बड़े हो लेकिन आप व्यक्तिवाद को नहीं बढ़ावा देना चाहते हो, आप हीरो वर्शिप को नहीं मानते हो, लेकिन आप हमारे लिए बहुत बड़े हो, आप हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हो, तो हम तो आपका बर्थडे मनाएंगे। तो 1946 में बाबा साहब का 55वां बर्थडे मनाया गया। उस वक्त बाबा साहब ने जो भाषण दिया, जो संदेश दिया, वो विद पीपल के लिए बहुत ही बढ़िया संदेश है, जिसका कि संदेश है कि कैसे जुड़ना है, क्यों जुड़ना है और जुड़ने के क्या फायदे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि आज मैं 55 साल का हो चुका हूं, और जैसे मैं 1923 में दुनिया की सबसे बढ़िया डिग्रियां लेकर मैं इंडिया में आया था, तब मुझे पहले पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का प्रोफेसर की जगह मुझे सिडनैम कॉलेज में आई थी, तो मैंने वो जगह ज्वाइन नहीं की, मैंने जॉब वो ज्वाइन नहीं किया। उसके बाद 10 साल के बाद मुझे डिस्ट्रिक्ट जज की एक नौकरी उपलब्ध हुई मेरे लिए, मैंने वो भी नकार दी। 1942 में हाई कोर्ट की जस्टिस की एक नौकरी भी मेरे लिए उपलब्ध हुई, और उस वक्त कहा गया कि आपको फिर आगे चलकर इस हाई कोर्ट का चीफ जज भी बनाया जाएगा। लेकिन ये सारी बातें मैं नौकरियां अपनी आप समाज के हित के लिए छोड़ता गया, ऐसा मैं क्यों करता गया। तो बाबा साहब कहते हैं कि जब मैं पढ़ा था तो केवल मैं इकोनॉमिस्ट नहीं था, केवल मैं सोशल साइंटिस्ट नहीं था, केवल मैं पॉलिटिकल फिलोसोफर नहीं था, केवल मैं जाति के ऊपर और धर्म के ऊपर संशोधन करने वाला, चिंतन करने वाला आदमी नहीं था, मैं तथागत बुद्ध के धम्म को मैं धीरे धीरे जानने की कोशिश करता था,
और मैं अपने जीवन में उसको उतारने की कोशिश करता था। और बुद्ध ने जो धम्म दिया और बुद्ध ने जो संग दिया, उस संग के वजह से मैं अपने आप को और अपने बीच के लोगों को इकट्ठा होने के लिए कोशिश करता रहा। और जैसे मैंने 1927 में प्रयोग शुरू किया, तो मैंने 1942 तक पाया कि असली चीज को, तथागत बुद्ध की शिक्षा को और आधुनिक विज्ञान की शिक्षा को, मानवता की शिक्षा को और इकट्ठा लेकर हम लोग अगर काम करते हैं तो उसका फल जरूर मिलता है, क्योंकि हम सच के साथ होते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि फिर मैं आपको एक संदेश देना चाहता हूं कि मैं लंदन गया, मैं अमेरिका गया, मैंने बहुत सारी एजुकेशन पा ली, मुझे जजेस के पद भी आए, लेकिन वो भी मैंने ठुकरा दिए। लेकिन जब जज का पद मेरे पास सामने आया, तब मेरे जेब में 100 रुपए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने उस वक्त के 10,000 रुपए महीने की नौकरी जज को जो मिलती थी, आज के करीब करीब 3 लाख रुपए होते उसके, उतनी कमाई की नौकरी मैंने छोड़ दी। ये मैं क्यों किया हूं? क्योंकि बुद्ध के धम्म और संघ की बात को और उसकी गहराई को मैं जानता गया। और 1942 से फिर मैं एक काम को लगा कि जितना भी मैं जानता हूं, जितने भी मैं प्रयोग करता हूं, उतनी वजह से मैं अपने लोगों को, लोगों के बीच में बंधुत्व की भावनाओं को डीप डाउन लेके जाने की कोशिश करता रहता हूं। और एक बात मैंने की कि मैंने दूसरे सवाल के ऊपर कभी अपना लक्ष्य नहीं मोड़ा। मैं सिर्फ अपने समाज के प्रति क्या करना चाहिए, अपने समाज का हित किस चीज में है, इसी के प्रति मैं दिन रात सोचता था। फिर वो बताते थे कि 1923 में जब मैं घर आया था और मुझे प्रोफेसर की नौकरी भी आई थी, लेकिन उसी दरमियान मेरे सबसे प्यारे बच्चे राजरत्न की मृत्यु हो गई। उसके कफन के लिए लोग आए और मेरे जो यशवंत नाम का जो मेरा लड़का था, उसको पैसे मांगने लगे कि इसके कफन खरीदने के लिए पैसे दे दो। और वो बात मैंने सुनी, मैंने जेब में हाथ डालकर देखा तो मेरे जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और फिर रमाबाई ने, उनकी पत्नी ने, अपने जो अपना जो लुगड़ा होता था उसका उसके उसका एक कपड़ा किनारा तोड़ दिया और उसमें अपने राजरत्न बच्चे की लाश को लपेटा और वैसे वो स्मशान भूमि में गए और उसका उसका संस्कार कर दिया गया। तो बाबा साहब कहते थे ऐसे गरीबी के दिन मैंने देखे हैं और इतने शौहरत के दिन मेरे सामने खड़े थे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं मेरे लोगों को इकट्ठा करने के लिए, रखने के लिए और इनको आंदोलित करने के लिए सारा कुछ करता था। आगे बाबा साहब 1942 की 46 के उस बर्थडे के उस व्याख्यान में कहते हैं कि ये सब कुछ मैं इसीलिए कहता हूं कि आप लोग संगठित बने रहो, शिक्षित बने रहो और संघर्ष करते रहो। और मैं ये इसीलिए कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग जुड़ेंगे नहीं, जब तक आप लोग संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारे कोई भी आंदोलन को परिणाम नहीं आने वाला है। ये बात बाबा साहब ने 1946 के उस सभा में उपस्थित 10,000 लोगों को बताई। यही बात जो है कि बाबा साहब और बुद्ध करते थे, सम्राट अशोक ने भी किया था और ज्योतिबा फुले का भी ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ज्योतिबा फुले ने जब 1873 में जब सत्यशोधक समाज स्थापित किया और सत्यशोधक समाज की विवाह करने की, सामाजिक काम करने की जो सारी जो रीतियां थी, सारी ब्राह्मणों के हाथ से सारे कुछ संस्कार करना उन्होंने छोड़ दिया और बहुजनों के खुद के संस्कार उन्होंने सार्वजनिक सत्य समाज में, सत्यशोधक समाज में डाल दिया। उसी के तौर पर फिर आगे के संस्कार के कार्यक्रम होते थे। और फिर उनको गोखले, न्यायमूर्ति रानडे, तिलक, ये लोग पूछते थे कि ज्योतिबा तुम हमको मानते नहीं हो, तुम हमको टोकते रहते हो, हमारे धर्म की टीका टिप्पणियां करते रहते हो, लेकिन जब हम अकेले में आपके बारे में सोचते हैं तो हम ये पाते हैं कि ज्योतिबा तुम कितने सही हो। हम अपने समाज के बर्डन में इतने दबे कुचले हैं, दबे हुए हैं, हम ब्राह्मण होते हुए भी आपके जैसा फ्री सोच, फ्री विचार नहीं कर सकते। तो ज्योतिबा फूले भी यही बात करते थे बहुजनों को संगठित करने की, इसीलिए उन्होंने द स्लेवरी यानी गुलामगिरी नाम की किताब लिखी, सार्वजनिक सत्य धर्म किताब लिखी, किसान का कोड़ा किताब लिखी। और यही विचारधारा बाबा साहब ने ज्योतिबा फूले को गुरु मानने के बाद अपने जीवन में उतारी है। यही चीज हमको अपने जीवन में उतारना है।
हमें दूसरा कुछ भी नहीं करना। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि बंधुत्व आपके बीच में कब आएगा, जब आप संगठित हो जाओगे। जब आप संगठित होने के बाद आपके बीच के जो जो अटकाव है, आपके बीच की जो दुराई है, आपके बीच के जो अहंकार है, ये जब तक आप लोग इकट्ठा नहीं होंगे तब तक ये खत्म होने वाले नहीं है। इसीलिए आपको सबसे पहले संगठित होना पड़ेगा। संगठित होने के बाद आपको शिक्षित होना पड़ेगा और आप संघर्ष अपने आप करते जाओगे। संघर्ष आपका नारा बनेगा और हम लोग इस देश का निर्माण करेंगे। और हुआ ऐसा कि बाबा साहब ने फिर देखते देखते 1947, 48, 49 और 50 में भारत का संविधान लिखा और इस देश के हर इंसान के सुखमय जीवन के लिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी दी, सोशल डेमोक्रेसी दी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी दी और कल्चरल रेवोल्यूशन के नाम से तथागत बुद्ध का धम्म भी बाबा साहब ने हमारे हाथ में दिया। लेकिन पिछले 70 साल में हमने बाबा साहब ने क्या किया था ये इसको नहीं दोहराया। सिर्फ हम बाबा साहब के गुणगान गाते रहे, उनकी जयंतियां हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। हम बाबा साहब को सर पर बिठाते हैं, सर के अंदर नहीं लेते हैं। हम बाबा साहब का सॉफ्टवेयर नहीं लेना चाहते, बाबा साहब के हार्डवेयर की हम दिनों दिन तारीफ करते आते हैं। इसलिए पिछले 70 साल में हम जैसे के तैसे बने हुए हैं। जितना बाबा साहब ने हमें दिया था वो हम खोते हुए आज ऐसी परिस्थिति आई है कि अगले जनरेशन के लिए क्या कुछ हम दे पाएंगे। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे माँ ने बाबा साहब की सोच हमारे बीच में डाली जिसकी वजह से हम लोग आज इतने पढ़े लिखे हो गए। और यही स्टोरी हम लोग यहाँ पर जो उपस्थित 276 लोग हैं उनकी सभी की कहानियां एक जैसी है। तो यही विचारधारा हमारे पुरखों ने हमारी पहली जनरेशन में हमारे मन में डाली है। हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारी गलतियां कहाँ पर हो रही है। हम इतने सारे संगठन, 4.5 लाख संगठन एक्टिव है, लेकिन हम एक दूसरे के एक साथ नहीं आने की कभी बात नहीं करते। हम अलग अलग काम करते हैं और उसका परिणाम होता नहीं है, क्योंकि विज्ञान कहता है कि मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग। जब हम लोग इन बहुजनों के महामानवों की प्रेरणा लेते हैं तो मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, वो प्रेरणा हमें प्रेरित करती है। लेकिन ये प्रेरणा की जब हमें आदत हो जाती है तो उसका परिणाम होता है जैसे कि बुद्ध ने कम्म विपाक थ्योरी में कहा है। बुद्ध कहते हैं कि मनोपुपगम्मा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा च प्रसन्नेन भासति वा करोति वा ततो न सुख मनवेत वि छाया वन पाई। आप लोग आपके मन में जब अच्छी बात आती है उस अच्छी बात को जब आप सोचते हो और उसको बार बार सोचते हो तो वो आपकी कृति में आता है, कम्म विपाक कम्म में आता है और कम्म का विपाक हो जाता है और उसका रिजल्ट और परिणाम हो जाता है। और उस परिणाम का नतीजा हो जाता है कि हमारी खुद की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो यही बात हम लोग पिछले 70 साल से भूल से जा रहे हैं। तो अभी विद पीपल में पिछले 8 महीने से हम लोग जुड़े हुए हैं। मैं तो अपने आप को ऐसा महसूस करता हूं कि मैं 7 महीने से जुड़ा हूं। मैं ये पाता हूं कि विद पीपल में जुड़ने से पहले मेरे बीच की मन की जितनी भी विकृतियां थी, जितने भी मन के मैल थे, धीरे धीरे थोक थोक खने खने रजतकार अवस्था तक, जैसा कि सुनार सोने का मल धीरे धीरे निकाल डालता है, वैसा विद पीपल में आने के बाद मेरे मन के जितने भी विकृत विचार है वो नष्ट होते जा रहे हैं। मैं इन 200-279 लोगों के साथ जब भी मैं जुड़ता नहीं हूँ, एक दिन भी मैं जुड़ता नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे घर के किसी मेंबर को आज खोया है, उनके साथ मैंने बात नहीं की है। इतना कुछ हम लोग पिछले 7-8 महीने में कमा पाए हैं। हम लोग एक फैमिली की तरह बिहेव कर रहे हैं। हो सकता है हमारे बीच में कुछ अलग अलग विचार होंगे, कुछ सोच होंगे, लेकिन जब स्पोक करके हम लोग हाउस में आते हैं तो हम पाते हैं कि हमारे बीच के जो विचार है एक दूसरे के साथ टकराते हैं, उसके ऊपर हम विचार करते हैं, उसके ऊपर विचार करने के साथ हम लोग उसका नियम बनाते हैं और उस नियम के साथ हम चलना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे के साथ हमारी दुराइयां कम होती है। हम एक फैमिली बन चुके हैं और ऐसी ही फैमिली हम लोग अगर बनेंगे तो जैसे एक सम्यक संबुद्ध हुए, उन्होंने पंचवर्गीय भिक्षु को बनाया, संघ बनाया, फिर 60 लोगों का भिक्षु संघ हुआ और देखते देखते हजारों भिक्षु बन गए और एक संघ बन गया जो कि विचार को, विचारों के ऊपर, आचारों के ऊपर कृति करने वाला, कम्म विपाक करने वाला संघ बना। और देखते देखते भगवान बुद्ध का धम्म और संघ सारे एशिया में फैल गया। आज वही जिम्मेदारी बाबा साहब ने हमारी जनरेशन पर डाली है। बाबा साहब ने केवल इतना ही नहीं बोला था कि मुझे भारत बुद्धमय बनाना है,
बाबा साहब कहते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड इज पॉसिबल थ्रू बुद्धिज्म, और ये भी कहते हैं कि आप लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है कि इस दुनिया को आप बुद्ध की विचारधाराओं के ऊपर लाना है। और क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि मैं इतना आशावादी हूं कि मैं ये सोचता हूं कि केवल और केवल भगवान बुद्ध का धम्म ही इस दुनिया के, आधुनिक दुनिया के सारे प्रॉब्लम को नष्ट कर सकता है, इस दुनिया को एक आशावादी और पीसफुल दुनिया बनाने की कोशिश कर सकता है, इतनी ताकत तथागत बुद्ध के धम्म में है। इसीलिए दुनिया के हर इंसान ने बुद्ध की शिक्षा को अपनाना होगा, ऐसा बाबा साहब का संदेश है 15 अक्टूबर 1956 का। तो यही संदेश विद पीपल में हम लोग एक दूसरे के साथ बांटते जा रहे हैं, शेयर करते जा रहे हैं, और देखते देखते हमारी पर्सनालिटी अच्छी बनते जा रही है। मोटिवेशन गेट्स यू स्टार्ट, हैबिट कीप्स यू गोइंग, हमारी आदतें बन रही है अच्छे विचार, और अच्छे विचार जब हमारे आदतों में आते हैं तो हमारी पर्सनालिटी भी उसी तरह से बनती है। और यही विद पीपल की एक मोटी तौर पर बेसिक सोच है, यही विद पीपल की शिक्षा है। इसीलिए जो बुद्ध ने कहा यही भिक्कवे भिक्को, आइए एक जगह पर आइए, संघ में बने रहिए, और संघ की ताकत बनाकर संघे शक्ति, संघ की शक्ति को बढ़ाइए। वही बात बाबा साहब ने अपनी सारी जिंदगी में हमारे लिए दी है, ज्योतिबा फूले ने भी दिए, सारे बहुजनों के लीडर जो हुए, पेरियार हुए, ललित सिंह यादव हुए, जो भी जितने भी बहुजनों के लीडर है, उन्होंने यही सोच हमें दी है। अब हमें जरूरी है कि इन विचारों को क्या हम अपनाना चाहते हैं। अगर हम सही दिल से, सही ताकत से, सही मन से अगर अपनाना चाहते हैं तो ही हम अगले जनरेशन को कुछ होप दे जाएंगे। बाबा साहब ने 1956 में एक बहुत बड़ा कोटेशन दिया, बाबा साहब कहते हैं कि मैंने इनको बुद्ध का ही धम्म क्यों दिया, क्योंकि बाबा साहब कहते हैं कि बुद्ध हमें आशावादी बनाते हैं, और इंसान केवल रोटी खाकर नहीं जीता, उसको एक मन होता है, और वो मन को, मन की सिंचाई करने के लिए, मन को अच्छा रखने के लिए उसको होपफुल बनाना होता है, उसको आशावादी बनाना बहुत जरूरी होता है, और बुद्ध का धम्म हमें आशावादी बनाए रखता है। जैसे कि मैंने मेरी माँ के बारे में कहा, मेरी माँ, माँ के मन में एक ही बात थी कि मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूं लेकिन मेरे बच्चे पढ़े लिखे होंगे, इस आशा के साथ वो जीती थी। ऐसे हम सबकी माँ और बाप ऐसे ही हमारे बारे में सोचते थे, यही आशा लेकर हम लोग अगले जनरेशन को ये मैसेज देना चाहेंगे तो हमें विद द पीपल के साथ जुड़ना होगा। अगर हम तहे दिल से विद द पीपल के साथ जुड़ेंगे तो आने वाले 1-2 साल में हम लाखों की संख्या में हो जाएंगे, और जैसे जैसे हम लाख की और 1 करोड़ की संख्या में हो जाएंगे तो सारे लोग हमारे हमारे दरवाजे पर आएंगे कि हम लोग विद द पीपल के साथ अब जुड़ना चाहते हैं, हमें दुख होता है कि हम इतने जल्दी क्यों नहीं जुड़े। यही सोच रखकर विद द पीपल के ये कुछ स्पोक लोग हैं, जो सीनियर लोग हैं, उन्होंने सोचा है, और इन्होंने गहराई से सोचकर बाबा साहब के सोच पर, बुद्ध के सोच पर, सम्राट अशोक के धम्म के सोच पर इकट्ठा आकर काम करना शुरू कर दिया। आज हम लोग यहाँ पर आए, और मैं खुद के अनुभवों से कहता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में हम लोग हजारों की संख्या में जुट जाएंगे, इतना बड़ा वातावरण हो चुका है। मैं पूना में 17 तारीख को गया था, केवल मैंने 5 लोगों को फोन किया, और पूना के साथियों ने, करीब एक 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 साथी ने 10-10 लोगों को फोन किया, 60 लोगों को उन्होंने फोन किया, 34 लोग आए थे। आज पूना से 14 लोग जुड़े हैं आज की मीटिंग में। हमने क्या क्या कुछ भी नहीं किया, बाबा साहब का, बुद्ध का विचार उनके बीच में पिरोया, हमने उनके मन में सिर्फ इतना कहा कि ये यही पश्चि को उपनाई को पचतंग वेदी तब्बो, आइए देखिए परखिए जानिए, अगर अच्छा लगता है तो ले लीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो आपके ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। तो यही विद द पीपल की हमारी सोच है कि अगर हमको जीतना है तो जुड़ना पड़ेगा, लोगों को जोड़ना पड़ेगा, हम लोग जुड़ेंगे तो जीतने वाले जरूर हमारी जीत हो जाएंगी, और जैसे जैसे हम जुड़ेंगे वैसे वैसे सारे लोग हमारी तरफ नजर बढ़ाएंगे और देखेंगे कि कौन लोग हैं कि पिछले 7-8 महीने से इतना कुछ अच्छे गहराई से जुड़ते हैं, टूटते नहीं है, जुड़ते। जो वज्जी का जो फार्मूला तथागत ने दिया था उसी वज्जी का संघ हमारा अभी बन गया है, तो इस वज्जी का संघ अगर आधुनिक भारत में हमें बनाना है तो हमें जुड़ना होगा, जोड़ना होगा, संगठित रहना होगा और जीतना होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत, जय सनातन। साधु साधु हाँ, साधु। और हाँ,
लाजवाब कटके जी, लाजवाब, एक्सीलेंट सर। साधु साधु साधु। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। साधु देखिए साधु साधु बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु बहुत बहुत साधु बहुत साधु 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 बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु माताजी को भी सत्संग नमन। साधुवाद साधुवाद। इसी क्रम में मैं सुधीर सर से अनुरोध करता हूँ कि वो आए और जो समर संघ का खुल। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है। ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Thank you.